इंटेलेक्ट टाइम्स में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स क्लास के तहत आज हम लोग फिर कल्चर, भारतीय संस्कृति के बारे में इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग तीन इम्पॉर्टेंट इवेंट्स और उससे रिलेटेड चीज़ों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ललित गिरी इसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए, ललित गिरी में क्या है, ललित गिरी इज अ प्लेस इन ओडिशा। ये कहाँ है? ओडिशा में है। और ललित गिरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मोदी जी ने एक म्यूजियम का उद्घाटन किया है। ठीक है, किसका उद्घाटन किया है? म्यूजियम का। ठीक है, तो और ये म्यूजियम बेसिकली किसके लिए है? ये जो म्यूजियम है ये बुद्धिज्म से संबंधित है। ठीक है, सो म्यूजियम इज एस्टैब्लिश्ड बाई एनुग्रेटेड बाई प्रधानमंत्री मोदी जी एट ललितगढ़ ओडिशा। ठीक है, तो यहाँ एक बुद्धिस्ट म्यूजियम का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया और इसी के बारे में हम लोग आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए, ओडिशा में तीन पहाड़ियाँ बहुत फेमस हैं। ठीक है, पहला है ललित गिरी, दूसरा है रत्नागिरी एंड तीसरा है आपको उदयगिरी। और इन तीनों को क्या कहा जाता है? डायमंड ट्रायंगल ऑफ ओडिशा। तीनों बौद्ध धर्म से संबंधित है, तीनों जगह हमको बौद्ध धर्मों से संबंधित विहार मिलते हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित आपको बुद्ध धर्म से संबंधित स्थल हैं ये। और ललित गिरी में विशेष रूप से इन तीनों में सबसे प्रमुख कौन सा है? ललित गिरी है, सबसे पवित्र है। और इसी ललित गिरी, ये तीनों पहाड़ है, देखिए गिरी यहां भी, गिरी मतलब क्या होता है? पर्वत होता है। और ये तीनों में से सबसे पवित्र स्थल कौन सा है? ललित गिरी है। और इसी जगह आपको प्रधानमंत्री जी ने एक म्यूजियम की का उद्घाटन किया जो पूरी तरह से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, ये जो तीनों जगह पे हमें बौद्ध धर्म से संबंधित मॉन्यूमेंट्स, आर्किटेक्ट, बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो आर्किटेक्ट है, यानी कि म्यूजियम हो, आपको क्या कहते हैं, आर्किटेक्चर मिलता है, यहाँ से विहार मिलते हैं। ठीक है, तो चूंकि उन्हीं के लिए, उसी को क्या करने के लिए, अक्षुण बनाए रखने के लिए, और ये जितने भी यहाँ से मिले हैं वो आपको मौर्यन पीरियड के काल के हैं और उसके बाद के काल के। तो चूंकि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, धरोहर है हमारी, हेरिटेज है, तो इसको क्या करना, संरक्षण करने के लिए तथा इसको एक बौद्ध सर्किट, यानी कि इसको हम लोग एक बौद्ध धर्म से संबंधित टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप करने का के लिए इस म्यूजियम की का उद्घाटन किया गया, कि स्थापना की गई। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है। और यहां एक और चीज बात बता देता हूं आपको, वेनसांग नाम सुना होगा आपने, वेनसांग जो एक चाइनीज ट्रेवलर था, ठीक है, और जो नालंदा हर्षवर्धन के काल में भारत आया था नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए, तो इसी वेनसांग ने भी क्या किया है, रत्नागिरी, ललितगिरी का दौरा किया और इसके बारे में अपने किताब सी यू की में, वेनसांग की किताब कौन सी है, सी यू की में पूरा वर्णन किया है, किसके बारे में, ललितगिरी के बारे में। ठीक है, अब देखिए ललितगिरी से हमें बहुत सारे स्कल्पचर मिले हैं, बौद्धिस्ट धर्म से संबंधित आइडल मिले हैं, मूर्तियां मिली हैं, भवन मिले हैं, ठीक है, क्वाइंस मिला है, पोर्ट्रेज मिले हैं, बहुत सारी चीजें मिली हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो क्षेत्र है,
यहां पहले एक प्राचीन विश्वविद्यालय भी था, ठीक है, जिसका नाम था पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी, पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी। तो इसका भी हमें क्या मिलता है, साक्ष्य मिलता है इन्हीं तीनों जगह से, जिसको हम लोग डायमंड ट्रायंगल ऑफ ओडिशा कहते हैं, और जिसमें कि सबसे पवित्र स्थल कौन सा, ललितगिरी है। तीनों पवित्र हैं, तीनों पवित्र हैं, और तीनों से हमें मौर्य काल और उसके बाद के क्या मिलते हैं, पॉटरी मिलता है, क्वाइंस मिलते हैं, मूर्तियां मिलती हैं, बहुत सारे चीज मिलते हैं। और खास करके यहां बौद्ध धर्म से संबंधित सामान ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। और यहां हमें एक यूनिवर्सिटी का भी साक्ष्य मिला है, जिसका नाम क्या है, पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिएगा, और इन तीनों के बारे में, तीनों जगह के बारे में। और यहां एक म्यूजियम की स्थापना की गई है, किसके द्वारा म्यूजियम बनाया गया है, उस जिसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री ने किया है, ठीक है। अब यहां एक चीज मैंने बताया कि डायमंड ट्रायंगल ऑफ ओडिशा, ठीक है ना, डायमंड ट्रायंगल ऑफ ओडिशा कहा जाता है इसे। अब ट्रायंगल सबसे, आपको एक और ट्रायंगल के बारे में बता देता हूं, उसको याद रखिएगा। यहां सिर्फ इतना ही याद रखिएगा, ललितगिरी, रत्नागिरी एंड उदयगिरी, ये तीनों क्या है, हिस्टोरिकल प्लेस है, और ललितगिरी में एक म्यूजियम बनाया गया, और तीनों का संबंध किससे, बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। और भारत सरकार क्या चाहती है कि ऐसे स्थल जहां से बौद्ध धर्म के क्या है, कोई भी हमको प्रमाण मिलते हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित कोई भी सामान मिलता है, या मॉन्यूमेंट्स मिलता है, या फिर कोई आर्टिफैक्ट्स मिलता है, कलाकृति मिलती है, क्वाइंस मिलते हैं, तो द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू डेवलप दैट एरिया एज अ टूरिस्ट प्लेस, ठीक है। तो इसको डायमंड ट्रायंगल ऑफ ओडिशा भी कहा जाता है। तो ये इसके, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और ह्वेनसांग, ह्वेनसांग एक चाइनीज ट्रेवलर था जो आया था इंडिया पढ़ने के लिए, ठीक है, एंड ही विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के काल में भारत आया था, और उसने जो किताब लिखी है सी यू की, उसी में, उसमें उन्होंने, इसने ह्वेनसांग ने ललितगिरी के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया, ठीक है। अब यहां एक और चीज बता देता हूं मैं, ट्राइंगल की जब बात हो रही है, तो एक, ये तो डायमंड ट्राइंगल था ये, और अगर हम कहें कि गोल्डन ट्राइंगल, अगर पूछा जाए कभी, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, डायमंड ट्राइंगल, ट्राइंगल ऑफ ओडिशा, तो आप तो आराम से इसको कर सकते हो, ललितगिरी और दूसरा कौन सा है, रत्नागिरी एंड उदयगिरी, इन तीनों गिरीज, इन तीनों पर्वतों को मिलाकर के क्या कहा जाता है, गोल्डन ट्राइंगल, डायमंड ट्राइंगल कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि गोल्डन ट्राइंगल किसको कहा जाता है, गोल्डन ट्राइंगल, तो तीन कंट्री, ठीक है, थाईलैंड, लाओस एंड म्यांमार, ठीक है, इन तीनों को गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, तो ओपियम, ओपियम का नाम आप लोग सुना होगा, हफीम, जो नशा नार्कोटिक है, एक तरह से नशा पदार्थ है, तो ओपियम का ट्रेड इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दीज थ्री स्टेट्स, जो तीन कंट्रीज हैं, इनको मिलाकर के क्या बनाया जाता है, गोल्डन ट्रायंगल, ओपियम ट्रेड के लिए है। सबसे ज्यादा नशा का आपको इस ओपियम का ट्रेड किया जाता है, इलीगल ट्रेड होता है। तो डायमंड ट्रायंगल आपको मालूम है, ओडिशा के जो तीन गिरी हैं उनसे मिलके बना है, गोल्डन ट्रायंगल थाईलैंड, लाओस एंड म्यांमार, ये ओपियम ट्रेड के लिए है, और एक और वर्ड आता है गोल्डन क्रीसेंट, गोल्डन क्रीसेंट, क्रीसेंट का मतलब होता है आधा मून, आधा चांद, ठीक है।
इसमें भी तीन कंट्री शामिल किए जाते हैं, गोल्डन क्रिसेंट में भी तीन कंट्री शामिल किए जाते हैं, एक है पाकिस्तान, दूसरा है ईरान और तीसरा है अफगानिस्तान। यहां भी क्या होता है, ओपीएम का प्रोडक्शन, इलीगल ट्रेड, ये सब सारे काम होते हैं। तो ट्राइंगल से संबंधित तीन चीजें मैंने बता दिया, गोल्डन ट्राइंगल ऑफ ओडिशा जो आपको बौद्ध धर्म से संबंधित क्या है, तीन पहाड़ियां हैं जहां ललितगिरी पहाड़ी पर एक म्यूजियम की स्थापना अभी हमारे प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। सेकेंड इज गोल्डन ट्राइंगल थाईलैंड लाओस एंड म्यांमार का, इट इज ट्राइंगल ऑफ इलीगल ओपियम ट्रेड, ओके। एंड थर्ड इज गोल्डन क्रिसेंट एंड दिस गोल्डन क्रिसेंट कंप्राइजेस पाकिस्तान ईरान एंड अफगानिस्तान एंड इट इज ऑल्सो दिस क्रिसेंट इज फेमस फॉर, किस लिए फेमस, इन फेमस जो भी हम कहें, किस लिए ये कुख्यात है, तो भाई ओपीएम का इलीगल प्रोडक्शन होता है और ट्रेड होता है। और आपको मालूम है कि ओपीएम के ट्रेड से क्या होता है, बहुत ज्यादा पैसा मिलता है एंड टेररिस्ट जो ग्रुप्स हैं उनको फंडिंग का एक बहुत बड़ा क्या है, मीडियम है, साधन है ये, ठीक है। तो ये हम लोगों का पहला न्यूज था, गोल्डन ट्राइंगल ऑफ ओडिशा और उससे संबंधित ट्राइंगल बना, तो दो और ट्राइंगल की मैंने बात कर दी यहां। अब आते हैं दूसरा न्यूज, दूसरा जो न्यूज है वो है मार्कंडेश्वर टेंपल की है, मार्कंडेश्वर टेंपल। ठीक है, तो मार्कंडेश्वर टेंपल जो है ये क्यों फेमस है, देखिए मार्कंडेश्वर टेंपल जो है ये आपको महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है, इन महाराष्ट्र, और इट इज इन महाराष्ट्र एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसका रिस्टोरेशन के लिए यानी कि इसको फिर से इसकी रख रखाव और इसकी अच्छा से इसको और क्या करना, चूंकि टूट फूट गया है तो इसको फिर से रिनोवेट करने का जिम्मेदारी किसने लिया है, तो ASI ने अपने हाथों में लिया है, ठीक है। तो एक तो आपको याद रखिए कि मार्कंडेश्वर टेंपल कहाँ है, महाराष्ट्र में। अब इसको क्या कहा जाता है, मार्कंडेश्वर टेंपल जो है इस टेंपल को खजुराहो ऑफ विदर्भ कहा जाता है, याद रखिएगा क्या कहा जाता है, खजुराहो ऑफ विदर्भा, यानी विदर्भ का खजुराहो कहा जाता है, ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। और ये जो है वेनगंगा रिवर, वेनगंगा, वेनगंगा जो गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है, वेनगंगा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर, इसी वेनगंगा के तट पर ये मार्कंडेश्वर मंदिर है और ये मार्कंडेश्वर मंदिर जो है शिव जी का मंदिर है, ठीक है। बैंक ऑफ रिवर आपको बैंक ऑफ वेनगंगा रिवर, और कहाँ है, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में है, ठीक है, गढ़चिरौली, गढ़चिरौली बहुत फेमस जगह है, आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत बड़ा एक टेररिस्ट का सेंटर है, सॉरी टेररिस्ट कहते हैं आपको, नक्सलिज्म का, नक्सल एरिया का, नक्सलिज्म जो है उसका एक बहुत बड़ा सेंटर है ये गढ़चिरौली, बहुत इंटीरियर में पड़ता है, ठीक है, तो याद रखना है ये। अब ये मार्कंडेश्वर जो मंदिर है ये किस शैली का है, तो ये नागर शैली का मंदिर है, नागर स्टाइल ऑफ टेंपल। अब नागर स्टाइल का टेंपल क्या होता है, ठीक है ना, नागर स्टाइल के जो टेंपल्स होते हैं उसकी क्या फीचर्स होते हैं, तो मैंने आपको वैसे बता
बता चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको फिर से बता देता हूं कि नागराज स्टाइल के जो टेम्पल्स होते हैं ठीक है, जो टेम्पल्स होते हैं वो तीन स्टाइल्स में बने इंडिया में। फर्स्ट इज नागरा स्टाइल, ये कहां का है? नॉर्थ इंडिया का है, ठीक है। इसके तीन सब स्टाइल्स हुए, नागरा स्टाइल के तीन सब स्टाइल हैं। जो नागर शैली का जो मंदिर बना उसके तीन शैलियां हैं, एक है ओडिशा स्टाइल, दूसरा खजुराहो और तीसरा सोलंकी स्टाइल। ये तीन इसके सब पार्ट हैं, सब ग्रुप हैं। दूसरा जो स्टाइल है हमारा मंदिर आर्किटेक्चर का, दैट इज कॉल्ड द्रविडियन स्टाइल, द्रविड शैली का है। और तीसरा वेसारा स्टाइल, ठीक है ना, बेसर शैली जिसको कहा जाता है, बेसर शैली, द्रविड शैली और इसको नागर शैली क्यों कहते हैं? बिकॉज द फर्स्ट टेम्पल्स, जो भी फर्स्ट टेम्पल जो बने, अर्लीस्ट टेम्पल वर कंस्ट्रक्टेड इन नगरों में बना, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? नागर स्टाइल कहा जाता है, नागरा स्टाइल। द अर्लीस्ट टेम्पल वर कंस्ट्रक्टेड इन नगर, मतलब जो आज मॉडर्न डे टाउन जिसको कहा जाता है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड नागरा स्टाइल। अब देखिए महाराष्ट्र में टेम्पल है, महाराष्ट्र इज इन साउथ इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया में है, लेकिन जो अभी हम लोग मार्कंडेश्वर टेम्पल पढ़ रहे हैं वो किस शैली का है? दक्षिण भारत में होते हुए भी ये नागर शैली का मंदिर है, ठीक है, ओके। अब देखिए नागर स्टाइल्स के जो अच्छे टेम्पल आर्किटेक्चर बिगेंस ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, याद रखिएगा। मूर्ति बनाने की कला तो कब से स्टार्ट हो गई? तो स्कल्पचर जो मेकिंग जो हमारा ये था आर्ट था, दैट वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग हरप्पन सिविलाइजेशन। मूर्ति कला, मूर्ति बनाने की कला का विकास हड़प्पा काल से शुरू हो गया था, बट कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल, मंदिर निर्माण की कला का विकास गुप्त काल में हुआ, ओके। सो डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, किस समय हुआ? गुप्ता पीरियड में। और उसके बाद क्या हो गया? डिफरेंट स्टाइल्स केम आउट फ्रॉम दैट, उसी के बाद से अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्टाइल्स का डेवलपमेंट हुआ। बट रिमेंबर वन थिंग कि महाराष्ट्र इज इन साउथ इंडिया, महाराष्ट्र कहां है? दक्षिण भारत में है, बट मार्कंडेश्वर टेम्पल इज इन नागरा स्टाइल, ठीक है, शिव जी का टेम्पल है। अब नागरा स्टाइल की क्या क्या चीज होती है मैं थोड़ा सा आपको मैं एक डायग्राम से बता देता हूं, उसको ध्यान रखिएगा। जो भी नागरा स्टाइल के टेम्पल्स बनते हैं वो किस पर बनते हैं? रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बनते हैं, ठीक है, ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद मंदिर का जो इनर वॉल और आउटर वॉल दोनों क्या होता है? प्लेन होता है, कोई भी उसमें कार्विंग नहीं किया जाता, किसी प्रकार की नक्काशी नहीं की जाती। अब तो मॉडर्न टेम्पल को छोड़ दीजिए, अर्लीस्ट जो टेम्पल थे, जो पहले के टेम्पल थे विच वॉज कंस्ट्रक्टेड प्योरली नागरा स्टाइल, अब तो क्या है? फ्यूजन हो गया है, अब तो सभी का मिला जुला बन जाता है। लेकिन इसमें क्या था कि मंदिर का जो इनर एंड आउटर वॉल था उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी नक्काशी नहीं की जाती थी, ओके। उसके ऊपर क्या था? दिस इज कॉल्ड शिखर, ठीक है, इसको शिखरा कहा जाता था। इसके ऊपर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड अमलका, ठीक है, इसको अमलका कहा जाता है। उसके ऊपर कलश, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कलश जो है मंदिर का एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है,
ठीक है। कलश जो है मंदिर का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है, याद रखिएगा, क्योंकि इट इज बिलीव दैट, ये माना जाता है कि नेक्टर अमृत उसी में है। और याद कीजिए, जब हम लोग कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, कलश स्थापना करते हैं। और कलश को कहां रखा जाता है ये भी ध्यान से देखिएगा, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, किससे, सैंड से, बालू से या मिट्टी से बनाते हैं, उस पर रखा जाता है। तो वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर क्या हो गया, अमल का हो गया। कलश से ही क्या कर देते हैं, कलश के जल से क्या बनाया जाता है, पंचामृत बनाया जाता है। कभी आप गौर कीजिएगा पूजा में, तो क्यों बनाया जाता है, इट इज बिलीव दैट नेक्टर इज इन कलश, यानी कि अमृत उसी में रखा हुआ है। और मेन सोर्स ऑफ टेम्पल, ठीक है, मैंने टेम्पल का मुख्य सोत्र जो है, मुख्य मंदिर के शक्ति का मुख्य सोत्र जो है, इसी पर, इसी कलश में माना जाता है। और इसके ऊपर क्या होता है, पताका, झंडा नहीं, पताका कहा जाता है, याद रखिएगा। और पताका किसको रिप्रेजेंट करता है, सोवरनिटी ऑफ गॉड, ठीक है, यानी कि ईश्वर की, जिस भगवान का मंदिर है उनकी संप्रभुता का, ठीक है ना। तो पताका इंडिकेट द सोवरनिटी ऑफ गॉड, जितना ऊंचा रहेगा पताका उतना दूर तक क्या होगा, माना जाता है कि भगवान का संप्रभुता है। अब देखिए, इनर वॉल एंड आउटर वॉल दोनों में प्लेन होगा, कुछ भी, कोई भी कार्विंग नहीं किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, सेंटम सेंटोरियम, गर्भगृह होगा, गर्भगृह में क्या हो जाएगा, मेन डेटीज को प्लेस किया जाएगा, वहां इनकी स्थापना की जाती है। मेन डेटी का वाहन भी इसी में होगा, वाहना, ठीक है। जैसे आप देखिएगा दुर्गा माँ का अगर मंदिर है तो गर्भगृह में दुर्गा माँ बैठी होंगी और उनके बगल में उनका सिर भी बैठा होगा। गणेश जी की मूर्ति होगी तो उनके नीचे आपको क्या है, उनका वाहन चूहा भी वही होगा, मूसक, ठीक है। और उसके सामने द्वारपाल होता है, द्वारपाल कैन बी फीमेल, सॉरी मेल फिगर भी हो सकता है, ह्यूमन फिगर भी हो सकता है, एनिमल फिगर भी होता है, हो सकता है, ठीक है। और याद रखिएगा कि ये जो गर्भगृह है, उत्तर भारत के मंदिरों के गर्भगृह में कोई भी प्रवेश कर सकता है, इन द गर्भगृह ऑफ नागरा स्टाइल एनीवन कैन एंटर, कोई भी श्रद्धालु वहां जा सकता है, इंटर कर सकता है, बट सदर्न इंडिया के टेंपल में दिस इज नॉट परमिटेड, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके जस्ट सामने क्या होगा, मंडपा होगा, मंडप, मंडप कैसा होगा, तो पिलर हॉल जैसा होगा, पिलर हॉल माने कि स्तंभ युक्त एक हॉल होगा, जहां बैठ करके डेवोटी, जो भी आपको पूजा करने आए हैं डेवोटीज जो हैं, वो बैठ करके क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ठीक है। और मंदिर के चारों किनारों पर छोटे छोटे मंदिर बने रहेंगे, सेम स्ट्रक्चर बना रहेगा, बट शिखर इससे छोटा होगा। तो चारों कोनों पर चार टेम्पल और एक मेन टेम्पल, पांच हो गए। दिस इज कॉल्ड पंचायतन शैली, पंचायतन स्टाइल। सो पंचायतन स्टाइल क्या हो गया, एक मंदिर निर्माण की कला है जो नॉर्थ इंडिया में मिलता है, ठीक है। अब यहां एक और चीज देख लीजिए, नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स में आपको वॉल नहीं मिलेंगे, चारों तरफ से सराउंड नहीं किया जाता इनको वॉल से, यानी कि चार दीवारी नहीं मिलेगा। यहां चार दीवारी कहां मिलेगा आपको, द्रविड़ियन टेंपल में मिलेगा, ठीक है। पानी का प्रबंध जनरली मंदिर में नहीं मिलता, उत्तर भारत के मंदिरों में देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ होली वाटर इन द टेंपल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। उत्तर भारत के मंदिरों में पवित्र तालाब का कंसेप्ट नहीं देखने को मिलता है, लेकिन दक्षिण भारत के मंदिरों में वहां देखते हैं कि क्या होता है, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ होली वाटर, होली पॉन्ड, ठीक है। इसके अलावा एंट्रेंस गेट यहां बहुत अधिक भव्य नहीं होता, एंट्रेंस गेट चूंकि दीवार नहीं है इसलिए एंट्रेंस गेट भी नहीं होता। लेकिन अब देखिए, तो ये
नागरा स्टाइल हो गया। अब इसी में एक स्टाइल हमने किसका बताया है, उड़ीसा, उड़िया स्टाइल। अब उड़िया स्टाइल के मंदिर को देख लीजिए क्या होता है उसमें। जो उड़िया स्टाइल के टेम्पल्स है उनके बारे में बता रहा हूं। उड़ीसा स्टाइल इज ऑल्सो स्टाइल ऑफ नागरा स्टाइल, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होगा, प्लेटफॉर्म पे तो बनेंगे लेकिन ऐसे होगा, इसमें शिखर नहीं कहते, दिस इज कॉल्ड शिखर ना, इसको शिखर नहीं कहते, इसको कहते देउल, दिस इज कॉल्ड देउल, इसको हम लोग क्या कहेंगे, देउल कहेंगे, कहते हैं, ओके। बाकी एवरीथिंग इज विल बी सेम, यहां भी पताका होगा, ये होगा। अब गर्भगृह होगा, अब इसमें देखिए द आउटर वॉल, इसका बाहरी दीवाल जो होता है वो लेविसली डेकोरेटेड होता है, लेविसली, बाहरी वॉल जो होगा उसमें बहुत ही घनी नक्काशी की जाती है, नक्काशी पत्थरों को काट काट करके, लेकिन इनर वॉल प्लेन होगा। लेकिन नागरा शैली में क्या है, इनर एंड आउटर वॉल दोनों क्या है, उसमें किसी प्रकार का कोई कार्विंग नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा फिर क्या मिलेगा आपको, यहां चारों तरफ से बाउंड्री मिलेंगी। तो चारों तरफ से बाउंड्री किसका इन्फ्लुएंस है, तो पेनिनसुलर इंडिया का, और बाउंड्री के पास क्या होगा, एंट्रेंस गेट कॉल्ड गोपुरम। और ये मंडप कहते हैं, गर्भगृह के सामने जहां पूजा करके बैठ के पूजा करते हैं उसको मंडप कहा जाता है, लेकिन यहां उसको क्या कहा जाता है, जगमोहन कहा जाता है। मंडपा इज कॉल्ड जगमोहन इन उड़ीसा। शिखर को देउल कहते हैं और मंडप को जगमोहन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमने आपको बताया कि नॉर्दर्न इंडिया के टेंपल्स में क्या नहीं मिलता, होली वाटर का कंसेप्ट नहीं है, पवित्र तालाब का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन हम सोलंकी स्टाइल के टेंपल्स में क्या देखते हैं, सूर्य कुंड, ठीक है। सोलंकी स्टाइल के टेंपल्स कहां मिलते हैं हमको, मोढेरा, गुजरात, ये सब एरिया में मिलते हैं। तो हमने बताया कि नागरा स्टाइल के जो टेंपल्स है उसके तीन सब ग्रुप है, एक ओडिशा स्टाइल ऑफ मंदिर आर्किटेक्चर, दूसरा सोलंकी और तीसरा खजुराहो। और हमने ये भी बताया कि नागरा शैली के टेंपल्स में आपको होली वाटर का कंसेप्ट नहीं है, पवित्र तालाब का कंसेप्ट नहीं मिलता। लेकिन जब हम देखते हैं सोलंकी स्टाइल में तो वहां हमको क्या मिलता है, सूर्य कुंड, सब कुछ ऐसा ही रहेगा, सूर्य कुंड का कंसेप्ट मिलेगा। सूर्य कुंड है क्या, तो सीढ़ी नुमा कुंड होता है, कुंड मतलब तालाब जैसा, ये सीढ़ी नुमा होता है, स्टेप्स उसमें स्टेयर्स होते हैं नीचे जाने के लिए, और स्टेयर्स के ही में जगह जगह कहीं कहीं मंदिर बने होते हैं, तो वहां हमको ये चीज देखने को मिलते हैं। खजुराहो स्टाइल के टेंपल्स में क्या मिलते हैं, तो थोड़ा इरोटिक ज्यादा है, वो कामुकता ज्यादा है उस मंदिर में, ठीक है। तो ये स्टाइल्स है नागरा स्टाइल के। और मार्कंडेश्वर मंदिर जो है ये कहां स्थित है, इट इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र, वेन गंगा रिवर के किनारे, वेन गंगा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी, उसके किनारे स्थित है, लेकिन यह नागर शैली में बना है। तो दो तीन चीजें याद रखनी है आपको, नागर शैली, पंचायतन शैली, पंचायतन मतलब पांच मंदिर होंगे, एक मेन टेंपल होगा और टेंपल्स के चारों कोनों पर चार टेंपल होंगे, लेकिन और जो टेंपल्स होंगे वो छोटे टेंपल्स होंगे विद रिस्पेक्ट टू द मेन टेंपल, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी है आपको। तो ये भी हमारा न्यूज खत्म हो गया, ठीक है। तो मार्कंडेश्वर टेम्पल किसका है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में भी किस जगह, गढ़चिरौली। गढ़चिरौली किस लिए फेमस है, तो गढ़चिरौली फेमस तो नहीं कह, इनफेमस कह सकते हैं, माने वहां कुख्यात है किसके लिए, तो नक्सल के लिए, ठीक है। और याद कीजिए वहां ऑपरेशन हिरक, हिरक ऑपरेशन हिरक, ऑपरेशन हिरक चलाया गया है किसके द्वारा,
तो वहां रोड बनाने के लिए और वहां पूरे एरिया में क्या करेंगे, टू कॉम्बैट नक्सलिज्म, नक्सलिज्म को कॉम्बैट करने के लिए गढ़चिरौली और जो भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहां सड़कों के विकास के लिए ऑपरेशन हीरक चलाया गया है भारतीय सरकार, भारत सरकार द्वारा। ठीक है, तो गढ़चिरौली महाराष्ट्र, वेनगंगा, मार्कंडेश्वर, नागरा स्टाइल, नागरा स्टाइल टेम्पल्स, तीन स्टाइल के टेम्पल होते हैं हमारे इंडिया में, और नागरा स्टाइल के कितने ग्रुप हैं, कितने सब ग्रुप हैं, तो तीन, ओडिशा सोलंकी एंड खजुराहो। सोलंकी स्टाइल में क्या मिलता है, सूर्य कुंड का कंसेप्ट है, खजुराहो अधिक इरोटिक है, कामुकता ज्यादा है वहां के मंदिरों में, और उड़ीसा में मंडप को जगमोहन कहते हैं और शिखर को डेउल कहते हैं। ये चीजें आप लोग को याद रखनी है। ठीक है, नाउ हाँ, किसी ने पूछा है म्यांमार के बारे में। ठीक है, तो हमने आपको बताया था म्यांमार, हमने अभी तीन ट्राइंगल के बारे में बताया था। एक बताया था किसके बारे में, गोल्डन ट्राइंगल, एक डायमंड ट्राइंगल कहा था, तो डायमंड ट्राइंगल हम किसके बारे में कहते हैं, उड़ीसा, वहां ललितगिरी, उदयगिरी और रत्नागिरी, ये तीन पर्वतों को मिलाकर के क्या बनाया गया है, ट्राइंगल बनाया गया है, ट्राइंगल है इसको, और ये किससे संबंधित है, बुद्धिज्म से संबंधित है। हमने फिर बताया कि गोल्डन ट्राइंगल किसको कहा जाता है, ये तो डायमंड था, गोल्डन ट्राइंगल में तीन कंट्रीज का नाम लिया था मैंने, थाईलैंड, लाओस एंड म्यांमार। म्यांमार मतलब जो हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है, म्यांमार जिसको पहले बर्मा कहा जाता था। ठीक है, तो इन तीनों को मिलाकर, ये तीनों क्या है, इलीगल ओपियम ट्रेड होता है यहां, इसलिए इसको गोल्डन ट्रायंगल कहा गया। और एक और वर्ड मैंने इस्तेमाल किया था, गोल्डन क्रीसेंट, उसमें तीन कंट्रीज को रखा जाता है, ईरान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। क्यों रखा जाता है, तो उसके भी कारण बताए थे, एक तो इलीगल ओपियम का प्रोडक्शन किया जाता है, खेती किया जाता है, और इलीगल ट्रेड भी किया जाता है, अवैध रूप से हफीम की खेती की जाती है और हफीम का व्यापार किया जाता है। एंड ट्रेड ऑफ ओपियम इज द मेन सोर्स ऑफ, वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ फंडिंग ऑफ टेररिस्ट ग्रुप, जो आतंकवादी संगठन है उनको फंडिंग करने का एक बहुत बड़ा क्या है, माध्यम है ये। ठीक है, ओके, अब आते हैं, तो ये चीजें हमने देख लिया, मार्कंडेश्वर टेम्पल के बारे में पढ़ लिया थोड़ा सा, जो भी अभी तक न्यूज में है, इसको ASI ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या किया है, इसको फिर से रिनोवेट करना है, इसको बनाना है, थोड़ा सा टूट फूट गया है, ठीक है ना, रिस्टोरेशन के लिए, इसके काम शुरुआत करने के लिए इसको ASI ने अपने पार्ट अपने ले लिया है। इसमें दो तीन चीजें, वेन गंगा बता दिया, और एक जब हम पहले न्यूज बताए थे उसमें आपको किसके बारे में चर्चा की थी, तो पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी, पुष्पगिरी विश्वविद्यालय, ये विश्वविद्यालय भी कहां है, उड़ीसा में, ठीक है ना, ललितगिरी और तीनों जगह, ललितगिरी, उदयगिरी और तीनों को मिलाकर के। ठीक है, चलिए अब आते हैं तीसरा न्यूज, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम, ओके, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम, नेशनल मैरीटाइम यानी कि मैरीटाइम का मतलब क्या होता है, समुद्री, हेरिटेज मतलब क्या होता है, धरोहर, धरोहर किसे कहते हैं, व्हाट इज हेरिटेज, तो इतिहास का वह भाग या इतिहास का वह भाग जिसकी वर्तमान में प्रासंगिकता हो, रेलेवेंस, कोई भी बिल्डिंग, जो ऐतिहासिक काल की कोई भी बिल्डिंग हो, मॉन्यूमेंट्स हो, जो वर्तमान में
क्या करता हो, उसका महत्व हो, रेलेवेंस हो, प्रासंगिकता हो, प्रासंगिक हो, उसी को क्या कहा जाता है, हेरिटेज कहा जाता है। और हेरिटेज क्या कर देता है, इट लिंक आवर प्रेजेंट विथ पास्ट, हमारे अतीत को वर्तमान से जोड़ता है और भविष्य के लिए रास्ता दिखाता है। और ये क्या बताता है कि पास्ट हैज नॉट ओवर, अतीत व्यतीत नहीं हुआ, हेरिटेज यही बताता है, अतीत व्यतीत नहीं हुआ, उसकी वर्तमान में प्रासंगिकता है। ठीक है, तो नेशनल राष्ट्रीय मैरिटाइम समुद्रिक हेरिटेज धरोहर म्यूजियम, ठीक है, इसकी इनॉग्रेशन किया गया है, इसको बनाने का, इसको स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, किसके द्वारा, तो इंडिया एंड पुर्तगाल के द्वारा। ठीक है, इंडिया एंड पुर्तगाल, यानी कि भारत तथा पुर्तगाल ने मिलकर नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज म्यूजियम स्थापित करने का निर्णय लिया है। अब ये बनाया कहां जाएगा, तो ये लोथल में बनाया जाएगा। लोथल कहां है, तो आपको मालूम है गुजरात में है। ठीक है, इसकी खोज किसने किया था, तो 1957 में एस आर राव द्वारा इसकी खोज की गई थी, एक्सकवेशन वर्क किया गया था। और यहां से क्या मिला है, एक डॉकयार्ड मिला है, गोदीवाड़ा मिला है, पोर्ट मिला है गोदीवाड़ा, डॉकयार्ड। और ये किससे जुड़ा हुआ था, किस नदी से जुड़ा हुआ था, इट वॉज लिंक टू भोगवा रिवर, भोगवा नदी द्वारा ये जुड़ा हुआ था। किस नदी द्वारा, तो भोगवा रिवर, और भोगवा रिवर से ये नहर द्वारा जुड़ा हुआ था लोथल। लोथल जो क्या है, हरप्पन साइट है। और इसका इंपॉर्टेंस किस लिए है, तो लोथल से हमें क्या मिला है, डॉकयार्ड मिला है, एक बंदरगाह मिला है, इसको बंदरगाह शहर भी कहा जाता है। और ये क्या इंडिकेट करता है, बंदरगाह शहर है, डॉकयार्ड मिला है, इससे ये इंडिकेट करता है कि ड्यूरिंग हरप्पन पीरियड ए इंटरनेशनल ट्रेड वाज फ्लरिस्ट, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी बड़े पैमाने पर होता था। और यहां आपको इसका मम्मी का स्टैचू भी मिला है, मम्मी जो होता है इजिप्ट का, तो उससे क्या पता चलता है कि ईरान इजिप्ट से मिस्र से भी व्यापार होता था। तो ये एक तरह से इंटरनेशनल पोर्ट था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था लोथल। ठीक है, और लोथल कहां स्थित था, कहां स्थित है, तो ये क्या है, खंभात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंभात। ठीक है, खंभात की खाड़ी है, और इसी खंभात की खाड़ी के थोड़ा सा ऊपर कौन सा है, लोथल है। ठीक है, और याद है ना खंभात की खाड़ी में कौन कौन सी नदी आके गिरती है, तो नर्मदा, तापी, साबरमती एंड माहे, ये चार नदियां आकर के खंभात की खाड़ी में गिरती है, तापी, नर्मदा, माहे एंड साबरमती ड्रेन्स इनटू गल्फ ऑफ खंभात। और इसी खंभात की खाड़ी में के ऊपर थोड़ा सा ऊपर क्या था, एक डॉकयार्ड मिला है, ईंटों का बना हुआ, पक्की ईंटों का बना हुआ लोथल में। और इसी लोथल में, इसी जगह भारत सरकार और पुर्तगाल ने मिलकर क्या निर्णय लिया है, दे डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश्ड नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज म्यूजियम। ठीक है, अब देखिए, अब क्या ऑब्जेक्टिव है, ये जो नेशनल
मैरिटाइम म्यूजियम बना रहे हैं, इसका कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो है इनलैंड वाटरवेज, ठीक है, इनलैंड वाटरवेज और एनिसेंट इंटरनेशनल ट्रेड, इन दोनों को क्या करना, हेरिटेज के रूप, इनलैंड वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज, ठीक है। इनलैंड वाटरवेज मतलब होता है आपको अंतरदेशीय, अंतर देशीय जलमार्ग, इनलैंड वाटरवेज, अंतरदेशीय जलमार्ग तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है, तथा ट्रेड थ्रू वाटर रूट, तथा जलमार्ग से व्यापार, ठीक है, जलमार्ग से व्यापार, इनको क्या करना, इससे संबंधित बातों को डिस्प्ले करना, बताना, इनलैंड वाटरवेज एंड क्या है, ट्रेड थ्रू वाटरवेज, जलमार्ग से व्यापार, इनको, इस चीजों को क्या करना, बताना, ठीक है, इनके बारे में क्या करना, कि इनका क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करना, इसके बारे में म्यूजियम स्थापित करना, ताकि लोगों को इनकी महत्ता के बारे में बताया जा सके, ठीक है। अब आपको यहां मैं किसके बारे में डिस्कस कर देता हूं, तो इनलैंड वाटरवेज के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं जल्दी से। अंतरदेशीय जलमार्ग, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो इनलैंड वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज, अंतरदेशीय जलमार्ग, ठीक है। तो देखिए, इनलैंड वाटरवेज अंतरदेशीय जलमार्ग को, अंतरदेशीय जलमार्ग किसको कहते हैं, जो किस पर डेवलप हुआ, रिवर पे, कैनाल्स पे, ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, इनलैंड वाटरवेज, द वाटरवेज दैट डेवलप्ड ऑन रिवर कैनाल्स इज कॉल्ड इनलैंड वाटरवेज, उसी को इनलैंड वाटरवेज कहा जाता है। और भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर क्या है, कैपेसिटी है, कि हम 14,500 किलोमीटर इनलैंड वाटरवेज डेवलप कर सकते हैं। हमारे जितने भी नदी हैं और नहर है, उस पर वी कैन डेवलप 14,500 किलोमीटर इनलैंड वाटरवेज, उस पर हम इसके इनलैंड वाटरवेज को हम बढ़ा सकते हैं, उस पर हम विकसित कर सकते हैं। अब देखिए, इनलैंड वाटरवेज को डेवलप करने के लिए इनलैंड वाटरवेज एक्ट लाया गया, ठीक है, इनलैंड वाटरवेज एक्ट लाया गया, कब, 1985 में, एंड बाय दिस एक्ट, इसी एक्ट के द्वारा इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया, कब, 1986 में, इनलैंड वाटरवे एक्ट लाया गया, ठीक है, कब, 1985 में, अंतरदेशीय जलमार्ग कानून लाया गया 1985 में, एंड बाय दिस एक्ट, इसी एक्ट के द्वारा इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया 1986 में, और 86 में गठन किया गया, इसका मुख्यालय कहां है, तो नोएडा में इसका मुख्यालय है, और अभी तक सरकार द्वारा 106 नेशनल वाटरवेज को घोषित किया गया है, 106
ठीक है, एट प्रेजेंटली क्या है 106, जिनकी मिनिमम लंबाई कितनी है 25 किलोमीटर मिनिमम लंबाई, 106 अंतर्देशीय जलमार्ग की घोषणा सरकार द्वारा की गई है 2015-16 में किया गया, ठीक है, जिसकी मिनिमम लंबाई 25 है, 25 किलोमीटर। अब कौन कौन से नेशनल वाटरवेज हैं इंडिया में उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर देते हैं, ठीक है। नेशनल वाटरवेज ऑफ इंडिया उसके बारे में देख लीजिए, अंतरदेशीय जलमार्ग, नेशनल वाटरवेज ऑफ इंडिया, तो सबसे पहले कौन सा है NW1, नेशनल वाटरवेज नंबर 1, ठीक है। ये कहां से कहां तक है तो याद रखिएगा कि नेशनल वाटरवेज नंबर 1 जो है ये इंडिया का पहला नेशनल वाटरवेज है, ठीक है, और इट इज ऑन रिवर गंगा, ठीक है, और अलाहाबाद जिसको आज हम लोग क्या कहते हैं प्रयागराज टू हल्दिया, ठीक है, अलाहाबाद या प्रयागराज टू हल्दिया, ये यहां तक है 1620 किलोमीटर इसका लेंथ है, ठीक है 1620 किलोमीटर। तो नेशनल वाटरवेज नंबर 1 गंगा रिवर पे है और प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक कुल लंबाई कितनी है 1620 किलोमीटर, ओके। नाउ उसके बाद आता है आपको नेशनल वाटरवेज नंबर 2, नेशनल वाटरवेज नंबर 2 जो है इट इज ऑन रिवर ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र रिवर पे है, ठीक है, और फ्रॉम सदिया टू धुबरी, सादिया टू धुबरी, सादिया से धुबरी के बीच है टोटल 891 किलोमीटर। ये तीसरा सबसे लंबा नेशनल वाटरवेज है इंडिया का, ठीक है, 891 किलोमीटर तीसरा सबसे लंबा है, ओके। नाउ थर्ड नेशनल वाटरवेज नंबर 3, ठीक है, देखिए कोल्लम नेशनल वाटरवेज नंबर 3, कोल्लम टू कोट्टापुरम, कोल्लम टू कोट्टापुरम, कोल्लम से कोट्टापुरम ये केरला में है, ठीक है, कोल्लम टू कोट्टापुरम ऑन वेस्ट कोस्ट कनाल, वेस्ट कोस्ट कनाल प्लस चंपाकारा कैनाल, चंपाकारा कैनाल और प्लस उद्योग मंडल कैनाल, उद्योग मंडल कैनाल, यानी कि पश्चिमी कैनाल कोल्लम टू कोट्टापुरम, ठीक है, कोल्लम टू कोट्टापुरम है, टोटल लेंथ इसका 205 है, 205 किलोमीटर इसका लेंथ है, और किस पर है पश्चिमी तटीय कैनाल, चंपाकारा कैनाल और उद्योग मंडल कैनाल, इन तीनों पर यह डेवलप किया गया है। कुल लंबाई 205 किलोमीटर है, सबसे ज्यादा ऑपरेटिव यही है, सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो आज वर्तमान समय में काम कौन सा वाटरवेज कर रहा है तो यही वाटरवेज कर रहा है, ठीक है। अच्छा उसके बाद नेशनल वाटरवेज नंबर 4, देखिए नेशनल वाटरवेज नंबर 4 जो है वो पूर्वी तट पर है, ठीक है, नेशनल वाटरवेज नंबर 4 जो है ये पूर्वी तट पर है और कहां से, काकीनाड़ा, काकीनाड़ा कहां है तो काकीनाड़ा इज इन आंध्र प्रदेश, और पुद्दुचेरी, पुद्दुचेरी के बारे में आप लोग को मालूम होगा कि पुद्दुचेरी एक स्टेट में नहीं है बल्कि 3 स्टेट्स में है, ये आपको केरला हो गया, ये तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश। तो पुद्दुचेरी और कराईकल, कराईकल ये दोनों तमिलनाडु में है, यनम
ये आपको आंध्र प्रदेश में है, और माहे ये कहां है, ये केरला में है। तो पुद्दुचेरी कराईकल ये दोनों तमिलनाडु में, यनम आंध्र प्रदेश में, एंड माहे केरला में, ठीक है। और इन सभी को मिलाकर के दीज आर द फोर सेटलमेंट, ये चार सेटलमेंट है, और इन सभी को मिला के क्या कहा जाता है, इन सभी को मिलाकर पुद्दुचेरी कहा जाता है, ठीक है। तो नेशनल वाटरवेज नंबर फोर जो है ये कहां कहां है, तो देख लीजिएगा, काकीनाडा टू पुद्दुचेरी, ओके, काकीनाडा टू पुद्दुचेरी, ये जो है ये कैनाल पे भी है, और एक टैंक है बहुत बड़ा जिसका नाम क्या है, कालू वैली टैंक प्लस कालू वैली टैम टैंक, ठीक है, इस पर है। इसके अलावा भद्राचलम टू राजामुंद्री, ठीक है, भद्राचलम, भद्राचलम टू राजामुंद्री, ये जो है भद्राचलम टू राजामुंद्री ये आपको गोदावरी रिवर पे है, गोदावरी स्ट्रेच पे है, ठीक है। ये सबको जोड़ दिया गया है, यानी कि काकीनाडा टू पुद्दुचेरी ये आपको कैनाल पर है, और कालू वैली टैंक पे, प्लस भद्राचल टू राजामुंद्री ये किस पर है, गोदावरी रिवर पे, और इसके अलावा वजीराबाद टू विजयवाड़ा प्लस वजीराबाद टू विजयवाड़ा ऑन रिवर कृष्णा नदी पर। तो ये तीनों को मिलाकर के क्या बनाया गया, नेशनल वाटरवेज नंबर फोर, याद रखिएगा, प्री में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेशनल वाटर फोर किस में है, काकीनाडा टू पुद्दुचेरी, इट इज ऑन कैनाल एंड कालूवेली टैंक, उसके बाद है प्लस इसके साथ और क्या जुड़ा हुआ है, भद्राचलम टू राजामुंद्री ये किस पर है, तो गोदावरी रिवर पर, वहां से वहां स्ट्रेच का है, भद्राचलम टू राजामुंद्री ये गोदावरी रिवर पर इतना है, और उसके बाद वजीराबाद टू विजयवाड़ा ये किस पर है, रिवर कृष्णा पर है, ओके। इसकी जो कुल लंबाई है 1095 किलोमीटर, इट इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट नेशनल वाटर इंडियन वाटरवेज ऑफ इंडिया। दूसरा सबसे बड़ा, पहला कौन सा है, रिवर गंगा पे जो है फ्रॉम प्रयागराज टू हल्दिया 1620 किलोमीटर। सेकेंड कौन सा है, तो आपको जो ईस्टर्न साइड में है काकीनाडा टू पुद्दुचेरी, और इसके बीच पूरा है आपको भद्राचलम टू राजामुंद्री, वजीराबाद टू विजयवाड़ा, ये सब मिला करके, ठीक है। तो इसकी लंबाई है 1095 किलोमीटर, इट इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट। उसके बाद तीसरा, चौथा हो गया, और पांचवा कौन सा है उसके बारे में चर्चा करते हैं हम लोग अब। देखिए पांचवा जो है वो उड़ीसा में है, और चौथा पहला किस पे है, तो बिहार यूपी और बंगाल में, दूसरा पूरी तरह असम में, तीसरा केरला में, चौथा आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में। नाउ वी आर डिस्कसिंग नेशनल वाटरवेज नंबर, इनलैंड वाटरवेज नंबर फाइव, पांचवा जो है ये आपको उड़ीसा में है, ठीक है। अब ये कौन सा है नेशनल वाटरवेज, तालचेर धामरा, ठीक है, तालचेर धामरा। ये जो तालचेर धामरा है ये किस पर है, तो ईस्ट कोस्ट कैनाल, ठीक है, और बेसिकली ये ब्राह्मिनी नदी पे है, ठीक है ना। तालचेर धामरा ये जो है ब्राह्मिनी रिवर, तो याद रखिएगा ब्राह्मिनी रिवर कहां की है, ये आपको उड़ीसा की, प्लस जियो नखली, इसके अलावा किसमें है, जियो नखली टू
जियो नकली टू चार बटिया, चार बटिया, ये जो जियो नकली टू चार बटिया ये जो है ये आपको ईस्ट कोस्ट कनाल पे है, ठीक है, ईस्ट कोस्ट कनाल पूर्वी तटीय कनाल पे है, ये किस पर है, ईस्ट कोस्ट कैनाल। इसके बाद प्लस किस पे है, चारबटिया टू धामरा, ये जो है मताई रिवर पे है, ठीक है, ये किस पर है, मताई रिवर, मताई रिवर। इसको भी ये सारे रिवर्स कहाँ के हैं, तो उड़ीसा के, याद रखिए, ब्राह्मणी मताई, ठीक है। उसके बाद है मंगला गड़ी टू पारादीप, मंगला गड़ी टू पारादीप, पारादीप पोर्ट है एक, मालूम ही होगा आपको पारादीप। ये किस पर है, महानदी डेल्टा पे है, महानदी पे है, महानदी नदी पर, ठीक है। तो ये जो है नेशनल वाटरवेज नंबर 4, तारचेल धामरा ब्राह्मणी रिवर पर, प्लस जियो नकली टू चरबतिया ईस्ट कोस्ट कैनाल, इसके अलावा चरबतिया टू धामरा मताई रिवर, और मंगला गड़ी टू पारादीप महानदी रिवर पे। इसकी जो कुल लंबाई है वो 623 किलोमीटर है, 623 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद जो नंबर 6 है, नेशनल वाटरवेज नंबर 6, ये जो है नेशनल वाटरवेज नंबर 6 जो है, ये आपको, ये भी असम में है, ये कहां है, लखीमपुर, लखीपुर भंगा, लखीपुर, लखीपुर टू भंगा, ये जो है बराक रिवर पर है, ठीक है। किस पर है, रिवर बराक, रिवर बराक रिवर पे, और यह सबसे यंगेस्ट है, अभी बनाया गया है। इसकी कुल लंबाई 121 किलोमीटर है, 121 किलोमीटर। तो ये जो, ये क्या है, दीज आर द 6 नेशनल इनलैंड नेशन इनलैंड वाटरवेज ऑफ इंडिया, अंतर्देशीय जलमार्ग है। तो अंतर्देशीय जलमार्ग तथा जलमार्ग द्वारा व्यापार जो होता है उसको दर्शाने के लिए, उसकी महत्ता को स्थापित करने के लिए लोथल में, लोथल गुजरात के लोथल में क्या किया गया है, एक म्यूजियम की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है, हेरिटेज म्यूजियम स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, किसके द्वारा, भारत सरकार तथा पुर्तगाल के बीच, ठीक है। तो आज ये 3-4 न्यूज जो लेके आया था मैं, जो आपको इम्पोर्टेंट है इसके लिए, और इसके बारे में डिस्कस भी कर दिया, ठीक है। तो आई होप आप लोग इसको पढ़िए और इससे इसका लाभ उठाइए। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर।